अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। जी नाज़रीन, हमारे साथ सैयद ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, तहरीक लबैक पर पाकिस्तान हुकूमत ने बैन लगा दिया है। तहरीक लबैक, इससे पहले भी कुछ तंजीमें जैसे लश्कर जंगवी और सिपा सहाबा, ऐसी तंजीमें जो है वो मौजूद में रही हैं। सर, अगर देखा जाए माजी में भी इस तरह की जो है वो तंजीमें मौजूद थी, लेकिन वो इतनी सियासी तौर पर इतनी मजबूत नहीं थी जितनी तहरीक लबैक। आपने 2018 के इलेक्शन में देखा, 2015-16 में ये जमात आई और 2018 में ये पाकिस्तान की पांचवी बड़ी वोट के एतबार से जमात बन गई। 18 लाख लोगों ने जो है उनको वोट दिया। तो बाकी जो पिछली तंजीमें हैं, लश्कर जंगवी या सिपा सहाबा, उनका आपने अरूज भी देखा, जवाल भी देखा और अंजाम भी देखा, तो बिल्कुल ऐसा ही तहरीक लबैक के साथ जो आप देख रहे हैं या मुख्तलिफ देख रहे हैं, या क्या फर्क है उनमें और या इनमें? शुएब, आपने जो क्वेश्चन किया ये बड़ा सेंसिटिव नवाद का। पहली बात तो ये कि मैं किसी एक तंजीम, खास तौर बिलखसूस मजहबी तंजीम को दूसरे से कंपेयर करने का हक में नहीं हूँ। हर किसी के अपने एक डायनामिक्स होते हैं, और मैं पहले हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि कभी मैं तंजीम को उसके अकायद के ऊपर जज नहीं करता। और क्या मजहबी तंजीम हो या गैर मजहबी हो, जो भी उसके अकायद पर होता है वो अपनी ईमानदारी के साथ उस पर बिलीव कर रहा होता है, और वो किसी हद तक भी उस अपने अकायद के लिए जाने को तैयार होता है। ये शो कर चुके हैं, टीटीपी वाले हों या सिपा साहबा वाले हों या लश्कर जंगवी का आपने नाम लिया, इन्होंने साबित किया है कि ये जो ये बड़ी कन्विक्शन वाले लोग हैं। अब उनको उनके किस तरह से उनकी मनोवरिंग की गई या किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया, जिन लोगों ने किया, ये चीज काबिले गौर, इस पर हम बात कर सकते हैं। ये सियासी पहलू जो है उस पर हम बात करेंगे। तो एक तो आप देख रहे हैं कि हर एक तंजीम को सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए या उसको परवान चढ़ाने के लिए कुछ मकासद रहे हैं, क्योंकि हम उन तंजीमों के मकासद की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त की करंट सिनेरियो जो है, ये मौजूदा जो ये तंजीम है, इनके लिए जो ग्राउंड हमवार किया गया हुआ है और इसमें इनको इनका स्प्रेड आप खुद बात करेंगे कि इनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट पंजाब में, इनकी अच्छा, ज्यादा सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है पंजाब में है। और पंजाब में क्यों है वो ये सोचने की बात है। ठीक है, ऐसे पंजाब में इसीलिए है कि पंजाब के बहुत करीब पड़ता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बेसिकली पंजाब में ही समझ लें, ठीक है जी। फैजाबाद जो है वो समझे आधा पंजाब में है और आधा है अपना उधर सीने में, तो नहीं है बलोचिस्तान में तो नहीं है ना फैजाबाद, ठीक है जी। और नहीं आप बिल्कुल अच्छा, तो अब वहां पर इनको जरूरत थी, एक पंजाब। और फिर दूसरी चीज, दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये था कि पंजाब में इनकी जो होने की, इनका एक सियासी अहदाफ था, इनसे कोई मिलिटेंट काम नहीं तो करवाना मकसूद था, इनसे कोई कहते मसल किसी को मरोड़ना किसी को नहीं था, किसी को कुट चढ़ाना इसमें ख्याल है नहीं, मकसद था उसका बुनियादी मकसद ये था कि किसी का वोट बैंक काटना है, कि जो राइट का वोटर है वो जो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी बनाई है उन्होंने, पीटीआई में उन्होंने डांस वगैरह करवा दिए, वो एक लिबरल सोच दे दी, तो वो जो राइट का वोटर है जो कि चाहता राइट की तरफ है, लेकिन वो नून लीग से भी मुतनफिर हुआ है, उसके लिए क्या करें ना, वो तो घर बैठ जाएगा। तो अगर वो वोट किसी तरीके से जो है वो जो है वो सॉरी अगर घर बैठ गए तो ठीक है, लेकिन वो फिर कहते हैं ना लेसर इवल, वो कहते तंग आमद बजंग आमद, वो कहेगा यार पीटीआई से तो बेहतर है इनको डाल दें, ठीक है। तो नूनली को डालने। उनको एक ऐसा ऑप्शन दे दिया बिल्कुल नेक। फिर आप दूसरी चीज है ये भी समझे, क्योंकि आपको तादाद ज्यादा चाहिए थी, ताकत नहीं तादाद, तो आपने उस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हाथ रखा जो तादाद में सबसे ज्यादा है। समझे ना, आपको सियासी सियासी अहदाफ थे आपके, आपने क्यों, आप जानते थे कि हमने अगर किसी और स्कूल ऑफ थॉट पे हाथ रखा जिनकी तादाद कम है तो उसका असर कम आना है। तो आपने पहली बात एक पंजाब को चूज किया जो सबसे बड़ा सूबा है, एक वो कैपिटल के करीब है ये समझिए, दूसरा आपने उस फिका या उस मजहबी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हाथ रखा जो कि तादाद में पाकिस्तान में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट में सबसे ज्यादा है, ठीक सबसे ज्यादा है। इसकी ऐसे अब जब आपने इनको अट्रैक्ट कर लिया तो इन लोगों को आप अपने मकसद के लिए, अपने आदाब के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो आपने किया। 2018 के अंदर नून लीग को इतना तीसरी अक्सर अक्सर हल्कों के अंदर तीसरी बड़ी जमात बन के सामने आ गई, वो सारे वोट नून लीग के टूटे,
जो लोग नून लीग को मुतनाफिर नहीं भी थे, जब उनको इस और थोड़े से मजहबी लोग थे, ठीक है, तो उनके पास एक ऑप्शन आया और खासतौर पर उनके अपने फिक्र का, अपनी स्कूल ऑफ थॉट का ऑप्शन आया और मजहबी ऑप्शन आया, और नारा जो उन्होंने लगाया वो तो सब मुसलमानों के लिए जो है ज्यादा क्या कहते हैं था, अट्रैक्टिव था, कोई भी कलमा गो है उसके लिए तो उसे हट नहीं सकता जो उनका नारा था, वो अट्रैक्ट हुआ। उनकी मुखालफत करने से करते हुए भी वो कहते दिल पे हाथ पड़ता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी उन्होंने एक चीज क्रिएट की। तो बुनियादी तौर पे यही वजह, ये फर्क है बुनियादी तौर पे। आप देख लें पहले जितनी भी मिलिटेंट जमातें जो हैं उनको सपोर्ट किया गया, वो उनका फिका स्कूल ऑफ थॉट प्राइमरली तादाद में बहुत कम था। उसको सियासी मकासद के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको मिलिटेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन सियासी नहीं, ठीक है। आप किसी को डरा धमकाने के लिए तो इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन आप वोट बैंक डैमेज नहीं कर सकते थे उनको इस्तेमाल करके। वोट बैंक इस बार आपका मकसद डिफरेंट था, आपने वोट बैंक डिस्टर्ब करना था तो आपको फिर ऐसे लोग चाहिए थे जो तादाद में बहुत ज्यादा हो। अब ये मैं आगे से भी ये बता दूं, जो समझते हैं, मेरी अक्सर उनसे बात होती है, हमारे सर से तो उनसे बात होती है, वो कहते हैं जी कि अब ये क्या चीज है, ये तो बड़े नरम नरम उनके नजदीक नरम लोग हैं। जी सर, आप कह रहे थे जी सर, वो आप कह रहे थे कि इनको जो है वो वोट बैंक के लिए लाया गया है, किस तरह सर, मतलब वोट बैंक के लिए लाया गया है, और किस तरह की तंजीमें आई? देखिए जी, उनका सियासी मकसद, प्योरली सियासी मकसद वोट बैंक डैमेज करना और एक पार्टी को जो है वोटों में बढ़ोतरी दिलाने का एक तरीका ये था कि इनको सपोर्ट किया गया। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इतने जान की अमानता हूँ, वो वाली बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि जो भी नजरिए वाले लोग होते हैं मैं कभी उन पर तनकीद नहीं करता, और कि नजरियों से इख्तलाफ करना मेरा जाती हक जरूर है, लेकिन मीडिया पर बैठकर, पब्लिक जगह पर बैठकर किसी की नजरियात पर तनकीद करना मेरे ख्याल से ये जर्नलिस्ट के एथिक्स के खिलाफ मेरे नजरिए, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। सियासी उसका जो पहलू है उस पर आप बात करें, किसने उसको कैसे इस्तेमाल किया उस पर बात करें, लेकिन जो इस्तेमाल हुआ उसके अकायद पे बात करना वो ज्यादती है और गैर अखलाकी फेल है, और मैं इस पर कभी बात नहीं करूंगा इस तरह। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि जो उनको लाए, उन्होंने कहा जी हमने उनको कंट्रोल कर लिया, जैसे ही जरूरत पड़ी हमने उनके सामने कामयाब तरीन ऑपरेशन किए और हमने देखें कैसे रूट आउट करके उनको सीधा कर दिया। तो ये जो है ये तो वैसे ही बड़े सादे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मिलिटेंट तो है नहीं ना, तरबियत याफ्ता है ये, तो ये एहतजाज वगैरह करते हैं, गरीब गुरबा लोग हैं इन, और इतना ज्यादा वो मिलिटेंट नहीं है, तो इनको तो हमें कंट्रोल करना मसला ही नहीं है। पहले भी करके देखा है, इन्होंने जुलूस वगैरह की बात की, हमने इनके रहनुमा उठा लिए, हमने ऐसा डंडा घुमाया, ठीक है, उनकी अपनी वो अपनी ताकत पे मान करते हैं, अपने 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 आप को समझदार समझते हैं और समझदार साबित भी किया उन्होंने, पॉलिटिकल तौर पे सबसे कामयाब वही है, ताकत भी उनके पास है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास, सब कुछ है, ठीक है, मैं ऐसे एग्री करता हूँ। लेकिन बात यह है कि हर एक गैर फितरी अननेचुरल इंटरवेंशन जो होती है पॉलिटिकल, उसकी फिर कीमत होती है, अदा करना, कीमत सिर्फ वो अदा नहीं करते जो उनको मुतहरिक करते हैं, कीमत फिर अवाम भी अदा करते, अवाम ने बहुत की बड़ी कीमत अदा की। आप देख लें कि ज़िया असाब के जो कार्रवाइयाँ थी उसकी, जो जिन्होंने अफगानिस्तान में फियास्को किया था, जो इंटरवेंशन की, उसकी कीमत आज तक हम अदा कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को के साथ हमने, उस जमाने की बात करूँ, बाद वाले की तो मैं बात नहीं करूँ, उस जमाने के अंदर जब जहाज, सो कॉल्ड जहाज चल रहा था अफगानिस्तान का, उस वक्त से सपोर्ट करना, जो करना, जो कुछ हमने किया, फिर वही जो है उसामा बिन लादेन हमारी पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बना, ठीक है जी। और फिर हेरोइन से लेकर नशा और स्मगलिंग, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या इस मुल्क ने कीमत माशी और हर तरह से अदा की है, वो कीमत अदा हमने करनी, ठीक है जी। टीटी तालिबान हमने सपोर्ट किए, बनाए, ये कौन सा हिडन सीक्रेट, अगेन कहते हैं ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर क्या तालिबान जो है उठकर अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकते थे, मुमकिन ही नहीं था, ठीक है जी। उनकी तरबियत से देखकर, उनके असले से देखकर, उनकी हर तरह से सपोर्ट की, और फिर जब हमने आके फेरी तो फिर अमेरिका के साथ हो गए, तो उनको हमने रोंद के रख दिया, लेकिन उसकी कीमत फिर हमें अदा करनी पड़ी। टीटीपी पाकिस्तान वजूद में आई, उसने तबाही फेर दी पाकिस्तान में, हर बच्चा जहनी तौर पर
क्या कहते हैं वो डिप्रेस हो गया था वो उस वक्त, हर लगता था कि आज धमाका हुआ, आज बाहर ने एक एक कीमत अदा की है पूरी नस्ल ने उस ज़हनी अज़ियत की, और जानी भी और माली भी, दुनिया भर में मारी सुबकी हुई। मैं यकीन करें मैं सर इनको इनको लाने वालों को फिर ये एहसास नहीं आवाम का, या जिस तरह आप बात कर रहे हैं देखिए जी एहसास, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे पूरा एक अलहदा से नशस्त होगी, क्योंकि ये आसानी से समझने वाली बात नहीं, उसके पीछे बड़े नजरियात कार फरमा होते हैं इंसान के ना, जब इंसान कुछ कर रहा होता है उसके पीछे बहुत सारे नजरियात होते हैं, उनको समझने की जरूरत है, उसके लिए अलग। अभी सिर्फ जो हमारे जैसे आपने सवाल किया था कि इसका कैसे मुख्तलिफ है पिछलों से, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और इसकी कीमत और बहुत बड़ी कीमत होनी है। वजह यह है कि एक तो तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद है, और फिर फैले हुए हैं ये, स्प्रेड हुए हुए हैं, और फिर इनका जो नजरिया है ये निफाज का नहीं है, ये इनका वो नजरिया है नामूस रिसालत वाला, जिस पे कोई भी कलमा गो आगे से यानी कि उतना ही जज्बाती हो जाता है इस टॉपिक पे आके। बिल्कुल ये तो एक नेचुरल सी बात, ईमान का हिस्सा, हमारे कलमे का हिस्सा है जी, बात खत्म हो जाए, इससे आगे क्या होगा कि ये कलमा है हमारा बुनियादी तौर पर जिसके वो बात करते हैं, तो इसका कौन खड़ा हो सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है, जो आसान लगते हैं वो होते नहीं, और जो लगते हैं मुश्किल वो आसान होते हैं, ये साबित किया तारीख ने। जो हमें लगते थे कंट्रोल नहीं हो सकते जी, ये तो कल इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, उनको हमने खत्म कर दिया, लेकिन अब जो लगते हैं कि बहुत नरम और आसान लोग हैं, ये जो है मसला जो है इनको इनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। उनका नजरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं उसके लिए उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा। सही है, हाँ बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने नमूस रिसालत की हिफाजत करनी है, उसका सही तरीका क्या है, ये बताना पड़ेगा, और उसको बताने के लिए आपको तालीम देनी पड़ेगी, और तालीम आप देते नहीं है, क्योंकि आप तालीम देंगे तो फिर लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आपसे सवाल करेंगे, भाई आइन कैसे तोड़ दिया तुमने, आपने ये काम कैसे ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारे साथ सैयद ज़ीशान हैदर साहब मौजूद थे, इनका तजिया आपने सुना। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।